मंडली कारागार का बुधवार को जनपद न्यायाधीश मुकेश प्रकाश, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वकार शमीम रिजवी, विधिक प्राधिकरण सेवा के सचिव चंद्र शुक्ल, एसपी नॉर्थ गणेश साहा भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जेल में बंद कैदियों को मिल रही सुविधाओं और सुरक्षा की व्यापक जानकारी ली। निरीक्षण के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने बताया कि कैदियों की संख्या को देखते हुए जेल के विस्तार करने की जरूरत है। 850 कैदियों की क्षमता वाले कारागार में 1775 कैदियों को रखा गया है। उन्होंने बताया कि जेल में से 7 विदेशी कैदी भी बंद हैं, जिनमें लीगल एडवाइजर के लिए निशुल्क एडवोकेट की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि जेल में 10 बच्चे भी हैं जो जेल में बंद महिला कैदियों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी रिहाई की भी कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया ये तो हर महीने तो निरीक्षण होता है, प्रोसीजर होता है। डीजे साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, हम और कप्तान साहब, इन्हों का टीम होता है यहाँ। जो एक तरफ से निरीक्षण होता है, निरीक्षण में यहाँ कैदिया का जो प्रगति है, जो समस्या है, वो सारे चीज़ सुनाया गया था। उसके बाद जो यहाँ सुविधा है उसी के बारे में स्टार्ट पोजिशन दी गई थी। ये तो मामूली रूटीन प्रोसेस होता है, हर महीने होता है। अब ये जो हम लोग कुछ सुझाव तो शासन को भी भेज रहे हैं, ताकि इसे जैसे जेल का क्षमता है करीब तकरीबन 800-850 कैदियों का है, बट ये लगभग तो दोगुनी हो चुकी है। अब तक फिलहाल 1775 लोग रह रहे हैं उसमें अंडर ट्रायल भी है और कुछ बच्चे भी हैं, महिला भी है। उसका तो इसका विस्तार करने की बहुत ज़रूरत है। हमला था उसको तो हम लोग वो तो आप छापा मारते हैं, वो अचानक मारते हैं, ये तो ऐसे टीम के साथ नहीं होता है। पिछले महीना तो हो गया था, हम तो नज़दीक में कुछ वेलफेयर के लिए है सर। ये बेसिकली देखिए जो कितने लोग हैं, इन लोगों का पेशी कब है, इन लोग किसका लीगल एड का सुविधा मिल रही है कि नहीं, ताकि लीगल एड क्लिनिक एक अंदर भी खोलना था, ताकि जो मान लीजिए किसी का यहाँ तो देखा था 7 कैदियाँ हैं, विदेश का कैदियाँ हैं, एक तो दो थाईलैंड का है, कि ऑस्ट्रेलिया का है, नेपाल का है, नाइजीरिया का कैदी है। इन लोगों का कहीं पेशी के लिए तो कोई आ नहीं रहा, उसके लिए तो गवर्नमेंट के तरफ से एक फ्री वकील रखने के लिए प्रोविजन है। उसका जो लीगल एड क्लिनिक कहते हैं उसको भी शुभारंभ करने के लिए जगह देखा है, वो भी फाइनल हो गया। अगले महीने उसको भी व्यवस्था करेंगे, एक वकील बैठेंगे, किसी के पेशी में जो कोई प्रॉब्लम है, कोर्ट में जो अपने बात रखने में दिक्कत है वो हो जाएगा। साथ साथ कुछ कैदियाँ हैं बाहर जनपद से है, उन लोगों ने भी निवेदन किया है कि उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए से उन लोगों का यदि समय समय पर हो जाएगा तो फिर जल्दी उन लोगों का जो फैसला है वो हो जाता है। महिलाएं कैदी हैं सर, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ बात तो सही है, 10 बच्चे हैं वैसे इसका अंदर है, बट बच्चे का जो दूध सारे चीज़ बेसिक सुविधा तो मिल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के बच्चे का कितने जल्दी बाहर वो निकल सकते हैं, उसको जो निकलने के लिए कोशिश करेंगे। ज़्यादातर एक दहेज वाले मामला पे है, मान लीजिए माँ मर गई तो किसी उनका तो नानी के गोद पे है, नहीं तो नानी चली गई वो माँ तो अंदर जेल पे है, वो सारे परिवार जेल पे, उसी टाइप का मामला है, वो भी नोट करवाया। तो जल्दी कम से कम तो बच्चे क्या पाप किया, उन लोगों को तो जल्दी कुछ व्यवस्था करा के बाहर करा। बच्चों की एजुकेशन की बात हो रही थी सर, सही बात है। यहाँ जो देखिए 171 लड़के ऐसे हैं, लड़के टाइप का 18 साल के ऊपर है, 21 साल के कम है, उन लोगों को पढ़ाई चल रहा है, और बाकी जो 10 बच्चे के आंगनवाड़ी की सुविधा भी है। बट ये अच्छा नहीं जो जेल में अंदर आकर के जो भी सीखेंगे वो उतने अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोशिश करेंगे उन लोगों को जल्दी बाहर।